नहीं, आपकी जुबान तो जरूरत से ज्यादा ही चलती है। आपकी जो जुबान है वो हमारे मोहल्ले के नाई की दुकान से भी ज्यादा चलती है। बहुत खूब जुबान चलती है आपकी। गजल भी जुबान मेरे ख्याल वो आपके बारे में कहा गया। गुस्सा ना करें, इस बात पर गौर करें। हेलो, परेशान नहीं करें, प्यार करें। अच्छा, वाह वाह, इतना मेरे पास टाइम नहीं है बीबी, मुझे और बड़े काम है। कारोबारी बंदा हूँ, माफी चाहता हूँ, प्यार व्यार के चक्कर में मैं नहीं पड़ता। काम की बात है तो वो करें। मोहब्बत क्या होती है? लेकिन ये बात करने का तो फायदा नहीं है ना। अभी आपने खुद ही तो कहा कि वो लोग चले गए जो मोहब्बत करते थे, तो जब वो लोग भी चले गए तो उनके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन सर, हम बात को कर तो सकते हैं ना, लेकिन आज के दौर में भी तो लोग मोहब्बत करते हैं ना। लव लव वन साइड भी होता है, टू साइड भी लव होता है। जी जी, इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाय, आजकल तो लव होता ही नहीं है जी, पहली तो बात ये है ना। लव शव, ये मोहब्बत शहबत, ये बड़ी पुरानी बातें हैं। आजकल तो आटे दाल की पड़ी हुई है, बंदे को तो मोहब्बतें कहाँ रह गई हैं। तो दूसरी बात है कि मोहब्बत पे तो बात हो ही नहीं सकती। मोहब्बत पर बात नहीं होती मोहतरमा, मोहब्बत के बाद बात होती है, बल्कि बातें होती हैं। पूरा खानदान बातें करता है, पूरा मोहल्ला बातें करता है, पूरा माशरा बातें करता है, पूरा शहर बातें करता है। बंदे की कुत्या कुत्ते हो जाती है इस चक्कर में। नहीं जी, सिर्फ आज हम बात करेंगे मोहब्बत की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का उनवान ही मोहब्बत है। अच्छा जी, उनवान ही मोहब्बत है जी। क्या कहने हैं आपके, बड़ी जल्दी याद आ गया आपको। माशाल्लाह, उनवान ही मोहब्बत है। तो आप पूछना क्या चाहती हैं कि मोहब्बत क्या है? जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ मोहब्बत क्या है, कहाँ से शुरू हुई और क्यों करते हैं लोग मोहब्बत? मोहब्बत है क्या जी, हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा आपने गाया। बात फिर वही अटकी है, मेरे गाने के बाद भी वही अटकी है। मोहब्बत है क्या चीज, हमको बताओ। तो हम मुझे बताएं मोहब्बत क्या चीज है, आखिर आपने की थी कभी मोहब्बत? नहीं जी नहीं, मैंने मोहब्बत नहीं की, मुझे और बड़े काम थे करने के लिए। मोहब्बत बेले बंदों का काम है ये मोहब्बत। वैसे भाई ना, भी आजकल जो जितने भी हमारे बेले लड़के होते हैं ना जी, बेले जिसे कहते हैं, मतलब कि फारिग, गली के नुकरों पे खड़े होने वाले बेले मुंडे, ये करते हैं मोहब्बत और कुछ काम करते नहीं। और वैसे भी वाइदा भी जो पहले भी लोग जो लोग कर गए हैं मोहब्बतें, वो भी सारे बेले ही थे। इनमें कोई भी कारोबारी बंदा था ही नहीं। ये जो राजा साहब हुए हैं, इनकी कौन थी वो, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टवेयर का कारोबार था है जी। ये जो मजरू साहब हुए हैं, ये कौन सी फैक्ट्री चलाते थे है जी। ये जो मिर्जा हुआ है जी, सही कह रहे हैं, ये जो मिर्जा हुआ है ये अपनी मर्जी से हुआ है। ये मैंने नहीं कहा कि मिर्जा हो जाओ, सारे बेले थे जितने भी थे। लेकिन इनके अपने बिजनेस भी तो थे ना। कौन से बिजनेस? वाह रे वाह, क्या कहने आपके। तारीख पढ़ी है कभी आपने? मुझे लग रहा है आपने कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा। थोड़ी बहुत पढ़ी है। कहते थे राजा के जो जमीनें थी, और मिर्जा भी जरा थोड़ी सी जमीनों वाला था, जायदादें थी उसकी, जमींदार लोग थे। तो काम क्यों नहीं करते थे? राजा साहब, मुझे राजा पे जितना गुस्सा मुझे है ना, शायद दुनिया में किसी बंदे को। आपको रांझे पे गुस्सा क्यों है? मैं देखो भी कारोबार तो किया नहीं, भाभियों ने ताने दिए है जी, गुस्सा चढ़ गया बच्चे को, गुस्सा चढ़ गया, उसके बाद क्या बनता था कि काम पे चले जाता, जमीनों पे जाता ना। वो तीन रोटियां पका के मूली वाली, दो पराठे आलू वाले, कपड़े में बांधे उनको एक टू झंग, वहां जाके उनके बच्चे के पीछे पड़ गया। और जितनी इस बंदे ने चूड़ियां खाई है ना, देसी घी की, देसी घी महंगा कर दिया राजे, मुझे इस बात का गुस्सा है। हमेरी नसीब बोला, सारा खा गया। सर, वो तो सच्ची मोहब्बत थी ना, देखिए इतनी दूर से उसके लिए वो आता था, फिर जो हीर थी उसके लिए चूड़ियां बना के लाती थी, सच्ची मोहब्बत थी। मोहब्बत होती ही सच्ची है, करने वाले झूठे होते। मोहब्बत सच्ची थी। आजकल के दौर की मोहब्बत के बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो पुराने की मोहब्बत थी ना, लोग पुराने मोहब्बत करते थे, हीर रांझा वाली मोहब्बत कहाँ मिलती आज। आजकल तो कोई आइसक्रीम तक नहीं खिलाता। हाय, क्या बात याद आ गई है मुझे, रांझा और हीर। देखिए बात सुनिए, हीर और रांझा, अपनी फिल्म देखी है रांझा? आपने अपनी कभी शक्ल भी नहीं देखी क्या गौर से? मैं ये कहता हूँ कि हीर रांझा फिल्म देखी, उसमें आपको पता चले वो जो कैदो दिखाया था, वो कैदो साहब जो है वो पंजाब के गैरतमंद आदमी थे भाई। अच्छा, उसको विलन दिखा दिया और रांझा साहब को उन्होंने हीरो कर दिया। हां तो भाई यार, कैदो तो पीछे पड़ा रहता था हीर रांझा के। हां तो अच्छी बात नहीं है, कौन चाचा ये चाहेगा कि उसकी भतीजी इश्क लड़ाती फिरे। खैर, आपके चाचा चाहते होंगे, वो नहीं चाहता था। आजादी होनी चाहिए बच्चों को प्यार में।
अच्छा प्यार में आजादी होनी चाहिए जी, बिल्कुल। कहने हैं आपके मोहतरमा, मुख्तसर जमूल है अगर तुम मेरे सामने बैठे हो।